कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम, साले खोज रहा हूँ मिल ही नहीं। मोदी जी को भी खूब लपेट लिया उन्होंने, इनो बंदे में से किसी बंदे ने मास्क नहीं लगाया। चल चल चल, पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। था इतना रस होता था बिकॉज ऑफ की चोर बाजार यहाँ पे लगता था, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होता था कि मैं क्या ही बताऊँ। बट एक आज टाइम है, संडे का दिन है, देखो एकदम जीरो और टालुल सन्नाटा है बिकॉज ऑफ यू की लॉकडाउन लगा है, सैटरडे संडे वीकेंड का वार। अभी अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो एक बंदा मेरे को मतलब एकदम बराबर में आके चलने लगा मेरे साथ साथ और बोला क्या कि देखो भैया जी लॉकडाउन लगा दिया, खाएंगे क्या घंटा। दो साल से दो बच्चे हैं मेरे जो कि पढ़ाई लिखाई एकदम मतलब बेरोजगार हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई एकदम जुरोटा लूल हो चुका, मैं बेरोजगार हो चुका हूँ। मैं झाड़ू मारता हूँ, एक ऑफिस में काम करता था उसमें वर्क करता हूँ, बट यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ कि लॉकडाउन लगा हुआ। मतलब इतना गलिया रहा था, मैं क्या ही बोलूँ, मोदी जी के बारे में क्या बोलूँ मैं। मोदी जी को भी खूब लपेट लिया उन्होंने, बोला मोदी जी बोल रहे हैं हर भाषण में आके बोलता है भैंस की आँख, देश को आगे ले जाएंगे, ये घंटा देश को आगे ले जाएगा, ये सलाह दो साल से तो इतना पीछे कर दिया कि आगे ले जाएंगे 50 साल बीत जाएगा। मैं बोला फक अप, मतलब क्या बोलूँ मैं अल्फाज नहीं था मेरे पास बोलने के लिए, बट मैं सोच रहा था कि किसी तरीके से मैनेज करके मैं निकल लूँ, बट क्या बोलूँ सुनाई जा रहा था। मैं बोला चलो भाई सही बंदा मिल गया मेरे को, इतना सुनाया मैं सोचा चलो इंटरटेनमेंट हो रहा होने दो। तो इसी हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था कल, तो मैं क्या ही बोलूँ, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देश आगे जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ कैसे जाएगा वो तो हमारे लीडर ही बताएंगे। आई एम सॉरी बाबू, मौसम इज़ द ग्रेट, सिचुएशन इज़ द ग्रेट, नेचुरल इज़ द ग्रेट, मतलब सब कुछ आज ग्रेट ग्रेट हो रहा है। आई हैव नो आइडिया क्यों हो रहा है, काय हो रहा है, बट मुझे तो लग रहा है एकदम मतलब क्या बोलूँ यार, घूमने जाने वाला मौसम है एकदम, मतलब फील एकदम आ रहा है क्या चलो कहीं घूमने, मनाली कश्मीर वश्मीर। साडा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, साले ये प्रैंक कहाँ से सीखते हो, मैं रहता ना दोनों कंटाप धर देता कैमरा मैन, साला इतना हद तक घटिया स्क्रिप्टेड, साले कैरी मिनाटी को बुलाओ और रोस्ट मरवाओ अच्छे से, नहीं तो मैं तो मारने के लिए है ही यहाँ पे। पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, नहीं है पुष्पा पुष्प, यही तो साला यही तो तेरा सीन है, यही नहीं अभी और सुनिए, पुष्पा ये पटाक से बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। ओ भाई मारो मुझे मारो। ओ फाइनली आ चुके हैं हम लोग कहाँ, जनकपुरी ना, जनकपुरी इज द बेस्ट, वेस्ट इज द ईस्ट, समझे, ये पॉइंट वाली खुली है, जगह खुली है तो खुली है, आई हैव नो आइडिया, बट ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठंडी इतना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ यू क्या बताऊँ यार, फटी पड़ी है एकदम फट के देख रहा हूँ, यहाँ पे लगाने का है रिक्शा लगाओ, यहाँ पे रिक्शा चलाना चाहते हो तो यहाँ से लेके उठा के चला लो, क्या कितना लगता है पाजी एक रिक्शे का, एक दिन का 200 रुपया लगाओ और जितना कमाओ वो तुम्हारा, क्या हाँ तो समझ सकते हो यार। मैं कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम, साले खोज रहा हूँ मिल ही नहीं रहा बहनचोद, जितना दिन मैं हूँ दिल्ली में एक भी बंदा जो मिल जाए यूट्यूबर ना बहनचोद, क्या बोला मुजरे वाले बेटा बेटा के दिमाग ख़राब करते हैं कर्नाट प्लेस पे, बट मैं कैरी मिनाटी को खोज रहा हूँ, ये बंदे सब मिल जाए, हर्ष बेनीवाल मिल जाए ना बहनचोद, कौन नो नामे निशान नहीं है, मोहित भाई मिल जाए कम से कम, उससे पता पूछ ले भैया जी कहाँ रहता है बहनचोद, ना काहे के लिए मिलेगा कोई दर्शन ही नहीं देता है, और मुजरे वाले साले टिकटॉकर मुजरे वाले साले भेटाते रहते हैं खाली। देखो यार ये है बैकग्राउंड, पैसिफिक मॉल का बैकग्राउंड, देखो ऐसा दिखता है कुछ इस प्रकार से, अभी आगे से भी दिखाएंगे अपन, पहले बैक से देखो फिर आगे से देखो, आगे बैक से पूरा एकदम ट्रक वरक लगा रखता है, देखो यहाँ पे ग्रोवर सीट कैसी, ठीक सामने ग्रोवर सीट ठीक उसके सामने, ना कि पैसिफिक मॉल, पैसिफिक मॉल अपने आप में एक ब्रांड है, जे देख सकते हो तीनों बंदे में से किसी बंदे ने मास्क नहीं लगाया। चल चल चल, क्या देखो यार एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, फक अप हो गया था, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब यार पैसिफिक मॉल दिखा रहा उनको लग रहा है कि कुछ और ही दिखा रहा,
मतलब मैं बता नहीं सकता, एक्चुअली मैं ये दिखाने आया था, ठीक है। तो वो आंटी जी ने बोला मेरे को कि मेरी बाबा ने क्यों कर रहा, इनको क्या ही पता। मैं एल लग गए, मतलब तब उनको दिखा तो बोलती आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वह बोला देखो आंटी ऐसा अपने साथ नहीं है, अगर देखो दिखाना होता तो पिक्चर दिखा देता उस आंटी की, बट नहीं दिखाऊंगा, क्यों दिखाऊं यार, मास का मतलब प्रॉब्लम था तो फकअप हो गया, समझ रहे हो। तो देखो पैसिफिक मॉल देखो, वो सब बात को भाड़ में जाने दो, वो सब गया भाड़ में, पहले पैसिफिक मॉल देखो, डैट इज ग्रेट, ऑसम लगता है, बट अभी बंद है इसलिए एकदम सन्नाटा, जीरो टल्लू है, देख सकते हो यहाँ पे। जैसा कि ये रहा आपका अंडरग्राउंड, सॉरी ये रहा इन, इधर से इन करोगे सीधा निकलोगे एकदम गेट पे। एक तो मेरी ज़िंदगी और एक तो मेरी जॉब, दोनों ने इसलिए अच्छी से बजा रखी है। व्हाट द फक, व्हाट द हेल, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। बट एक बात हमेशा याद रखना, नेवर गिव अप, मेरे शब्द मेरे मतलब ज़िंदगी में गिव अप है ही नहीं। इसी तरीके से वीडियो बना रहा था, एकदम सामने स्ट्रेट में पुलिस वाले दो खड़े हुए थे, एक जूस पी रहे थे एक बैग लगा के खड़े हुए थे। मेरी तो फट चुकी थी, मेरी एल लग चुकी थी, बट ऊपर वाला भगवान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इग्नोर कर दिया और जाने दिया। मतलब समझ रहे हो, इस टाइम में अभी वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, बट अपन बनाते हैं क्योंकि भैया जी बिकॉज ऑफ कि अपन आते हैं जॉब से, सोचते हैं यार टाइम वेस्ट टाइम पास हो जाएगा तो बनाते रहते हैं वीडियो, क्या कि अपन को एक दिन बनना भला पड़ जा रहा है।